Mohmad from High School Mandigam. Today's topic is how were the lives of people affected from history for 9th class. बच्चों कल हमने पढ़ा कि कमर्शियल फॉरेस्ट्स किसे कहते हैं आज हम देखेंगे कि कैसे हाउ वेयर द लाइव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड ड्यूरिंग कॉलोनियलिज्म तो इसमें हमें इस टॉपिक में हमें देखना है कि जो फॉरेस्ट पीपल थे उनकी लाइफ पे क्या असर पड़ा कॉलोनियलिज्म से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और विलेजर्स के अलग अलग नजरिया थे फॉरेस्ट्स को लेकर विलेजर्स एक ऐसा फॉरेस्ट चाहते थे जहां पे मुख्तलिफ किस्म के पेड़ पौधे हो जिनसे उनकी जरूरियात जिंदगी पूरी हो सकती है दूसरी तरफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक ऐसा फॉरेस्ट चाहते थे जिसे इन्हें कमर्शियल वैल्यूबल प्रोडक्ट्स मिल सके जिसे वो शिप्स और रेलवे बनाते थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ऐसे ट्रीज की जरूरत थी जिनसे इनको लकड़ी हासिल हो जो कि मजबूत सख्त लकड़ी हो ऐसे पेड़ चाहते थे ये और स्ट्रेट हो लाइक टीक सेल SAL बाकी पेड़ों को काट कर उनकी प्लांटेशन की गई दूसरी तरफ लोग फॉरेस्ट एरियाज से बहुत प्रोडक्ट्स हासिल करते थे फॉर एग्जाम्पल रूट्स लीव्स फ्रूट्स एक सेहतमंद गुजा थी लोगों के लिए ये सब वो हासिल करते थे फॉरेस्ट से लोग फॉरेस्ट से लकड़ी हासिल करते थे जिससे वो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स लाइक प्लो बेम्बो ट्रीज से लोग बास्केट्स और अम्ब्रेला बनाते थे इसी तरह से बॉटल गार्ड का इस्तेमाल करते थे लोग उससे बनाते थे पानी की बॉटल और लंबे चौड़े पत्तों की सिलाई करके डिस्पोजेबल प्लेट्स और कप्स बनाते थे खाना पकाने का तेल महुआ ट्री महुआ ट्री के फ्रूट को प्रेस करके निकाला जाता था खाने पीने का तेल इतनी सारी चीजें फॉरेस्ट सोसाइटी के लोगों को मिलती थी जंगलों से मगर फॉरेस्ट एक्ट के आने के बाद इन लोगों की जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें और रुकावटें आ गई इस एक्ट के आने से जो भी प्रोडक्ट्स प्रैक्टिस वो करते थे लाइक कटिंग वुड फॉर देयर हाउसेस अपने घरों के लिए लकड़ी जमा करना ग्रेजिंग देयर कैटल मवेशियों की देखरेख का काम कलेक्टिंग फ्रूट्स एंड रूट्स फ्रूट्स मेवे लाना और रूट्स जिनसे मेडिसिन बनाए जाते थे वो और शिकार करना वाइल्ड एनिमल्स का हंटिंग फिशिंग मछलियां पकड़ना ये सब करना इन लोगों के लिए इलीगल बन गया यानी गैर कानूनी अगर वो ऐसा करते थे तो इन्हें सजा मिलती थी यानी जुर्माना देना पड़ता था ये तो हमने देखा कि लोगों की जिंदगी पे क्या इफेक्ट पड़ा फॉरेस्ट एक्ट की वजह से तो हमने देखा कि फॉरेस्ट लोगों पे क्या असर पड़ा ब्रिटिशर्स के आने से ये था हमारा आज का टॉपिक अल्लाह हाफिज़